हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बितन ऑल। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम कैसे साउथ कोरिया का वीज़ा हम ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये वीज़ा का जो मेरे हाथ में जो वीज़ा कॉपी है वो एज ए असल में जेन्युइन है, वो फेक नहीं। या फिर आप कैसे जान सकते हैं कि आगे जाके आपका एप्लीकेशन एज ए रिजेक्ट हो गया या अप्रूव हो गया या अंडर रिव्यू में है। दोस्तों, वो भी आप एज ए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप अपने पासपोर्ट नंबर के थ्रू, राइट, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल टेक बितान ऑल को, और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, उसमें गए कि मेरा भी लगभग नया वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कोरिया गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं visa.go.kr करके, ऐसा एक वेबसाइट आपको ओपन करना पड़ेगा। एक काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर राइट साइड पर देख सकते हैं इंग्लिश करके लिखा हुआ है, ये साइट अभी कोरियन लैंग्वेज में ओपन है। तो सिंपली आप यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको ऐसे इंग्लिश में ओपन होके आ जाएगा, कुछ इस टाइप का दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा, आप सिंपली इधर आ जाइए, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, राइट, इंग्लिश करने के बाद चेक एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए चेक एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया एक पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप का। दोस्तों, तो इनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका जो वीज़ा जो है वो कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है, राइट, क्या वो डिप्लोमेटिक ऑफिस कैटेगरी के अंदर आता है या ई वीज़ा इंडिविजुअल आपने अगर अकेला अप्लाई किया, या फिर आप एज ए ग्रुप टूर में जाना चाहते हैं तो आपने एक साथ मिलके वीज़ा अप्लाई किया तो ई वीज़ा ग्रुप आप सेलेक्ट कीजिए। यानी कि आप इनमें से जो भी कैटेगरी आपका वीज़े के साथ मैच होता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर वीज़ा है, आप उन्हीं को एज ए यहाँ पर चूज़ कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि साउथ कोरिया का वीज़ा होता कैसे है दोस्तों, राइट। तो अभी जब स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका है इमिग्रेशन कन्फर्म स्लिप, आप इसको कह सकते हैं, राइट। तो जो लोग साउथ कोरिया अगर जो लोग जा चुके हैं उनको ये स्लिप देख के पता चल गया होगा। और नेक्स्ट जो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि साउथ कोरिया का वीज़ा कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर आप कुछ स्टिकर जैसा कुछ यहाँ पर दिख जाता है दोस्तों, राइट। तो इस टाइप का होता है दोस्तों साउथ कोरिया का वीज़ा। ये जो वीज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका 19 डेज का है, सिंगल एंट्री वीज़ा है दोस्तों, राइट। तो आपने देख लिया साउथ कोरिया का वीज़ा देखने में किस टाइप का होता है दोस्तों। तो अभी हम जानेंगे कि हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वो भी पासपोर्ट नंबर के थ्रू। अगर आपको इनमें से कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली आप ऐसे फास्ट वाले इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है या फिर रिसिप्ट नंबर नहीं है, यानी कि एजेंट या दलाल आप कह सकते हैं, अगर आपको उन्होंने एप्लीकेशन नंबर या रिसिप्ट नंबर नहीं दिया, तो आप सिंपली यहाँ पर पासपोर्ट नंबर के थ्रू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइनली जो लोग आपका वीज़ा का फाइल जो अप्लाई करेगा, आपको हेल्प करेगा, वो लोग आपको एप्लीकेशन नंबर और रिसिप्ट नंबर दोनों आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों। तो सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए पासपोर्ट नंबर, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर जो करना पड़ेगा उसका नेम यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा दोस्तों, और उसका डेट ऑफ बर्थ जो कि अगर उधर पासपोर्ट में दिया गया है दोस्तों, राइट। ओके, सो आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना पड़ेगा आपका पास, आपके पास जो पासपोर्ट है वो, तो पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर डालिए, एकदम धीरे धीरे डालिए, क्योंकि ये जो चीज़ है पासपोर्ट नंबर नेम, ये कोई आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है दोस्तों, राइट। सो आप ध्यान से इसको फिल कीजिए। और एजेंट अगर आपको किसी दूसरे वेबसाइट में जाके चेक करने के लिए बोल रहा है तो आप ऐसा मत कीजिए, राइट। जो एज ए ऑफिशियली गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आप उसी वेबसाइट में आइए, आके उसी वेबसाइट में आप इसको वेरीफाई कीजिए। दूसरे किसी वेबसाइट में जाएंगे तो उधर एज ए फिशिंग या फेक होने का चांसेस बढ़ जाता है दोस्तों। तो सारा डिटेल आपको जब यहाँ पर डाल देंगे पासपोर्ट नंबर के थ्रू, तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च बटन पे, राइट। अगर आपने सब कुछ सही सही डाला हुआ है
तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आपको शो हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर अप्रूव शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अगर अप्रूव शो हो रहा है सही बात है, एकदम हमारा जो वीज़ा का जो फाइल है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। अगर इधर आपको कुछ दिख रहा होगा कि अंडर रिव्यू, इसका मतलब कि आपका जो वीज़ा जो आपने अप्लाई किया था वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। अगर आपको यहाँ पर रिजेक्ट ऐसा कुछ शो हो रहा है, यानी कि आपने जो अप्लाई किया था अपने वीज़े के लिए वो एज ए रिजेक्ट हो गया। तो यही था कि आप कैसे आप अपना साउथ कोरिया का वीज़ा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप अपना वीज़ा का जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर अपना फुल इंफॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना, जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करना दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी सजेशन है, तब सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।